हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नरगिस वालिया चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप फुली ऑटोमेटिक मशीन में वुलन क्लोथ्स को कैसे वॉश कर सकते हैं, कौन से फंक्शन में आपको डालना है और कैसे आप कौन से वुलन क्लोथ्स को कौन से फंक्शन में आपको सिलेक्ट करना है। तो पहले तो आप तीन फंक्शन में कोई भी वुलन क्लोथ्स को डाल सकते हैं, एक मिक्स में, दूसरा जेंटल केयर में और तीसरा डुएट में। तो आपको ये देख के डालना है कि आपके वुलन क्लोथ्स जेंटल हैं तो जेंटल केयर में डालेंगे, मिक्स में डाल सकते हैं अगर आपके स्टीम वॉश में वॉश होने के लायक हैं तो, क्योंकि मिक्स में और डुएट में स्टीम साइकिल चलता है। तो आपको देख के डालना है कि कैसे आपके वुलन क्लोथ्स हैं। तो मैं अभी डाल रही हूँ स्वेटर्स डाल रही हूँ, जो कि मैं डालूँगी जेंटल केयर में, क्योंकि यहाँ पे ये जो लगा हुआ है फर वो हो सकता है निकल जाए वॉश होने के बाद। अगर मैं स्टीम में वॉश करूँगी तो ये निकलने का डर है। तो अगर ऐसे आप बाहर जो पहनते हैं, जो फैंसी रहते हैं स्पेशली, जो यहाँ पे ऐसे फर लगे रहते हैं, वैसे आप मिक्स में या डुएट में ना ही डालें तो अच्छा है। तो मैं अभी कितने आप डाल सकते हैं ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये हैवी होते हैं। अगर आपको 5-6 डालना है तो आप डुएट में ही डालेंगे और आप इसे कम कर सकते हैं वॉश साइकिल को। लेकिन अगर ये जेंटल केयर का है आपका, तो आप अगर इसमें डाल रहे हैं जेंटल केयर में, तो आप कम कपड़े डालें। तो मैं सिर्फ 4 डाल रही हूँ अभी स्वेटर, और स्वेटर डालने से पहले मैं इसे पूरा उल्टा करके डालूँगी ताकि इसमें कोई भी ऑप्शन बचे ना ख़राब होने का। तो ऐसे आप उल्टा पूरा कर लेंगे। मैंने स्लीव्स को उल्टी कर ली है और इसके जो बटन्स रहते हैं वो बटन्स को मैं पूरा लगा लूँगी। तो अब मैंने ये बटन्स लगा लिए हैं और मैंने सब सारे चारों मेरे अपने स्वेटर्स को उल्टा कर लिया है ताकि आगे कोई फेड अगर होने का भी ऑप्शन ना रहे, क्योंकि इसमें सारे फर लगे हुए हैं। पॉकेट भी मैंने चेक कर लिया है, तो पॉकेट आप चेक करके ही डालें। मेरे पॉकेट से अभी भी पिन, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें निकली है, तो आपके भी पॉकेट में ना रह जाए, आपकी मशीन डैमेज होने का ऑप्शन बिल्कुल ना रहे, ये आप चेक कर लें। तो मैंने पूरा उल्टा कर लिया है इसे और अब मैं डाल रही हूँ। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि आप मिक्स में डालना है और डुएट में डालना है तो कैसे स्वेटर्स डालना है। तो जो ऐसे घर पहनने के स्वेटर्स रहते हैं, जो आप घर में पहनते हैं डेली वेयर में, जिससे ख़राब होने का कोई ऑप्शन नहीं रहता, ख़राब बिल्कुल नहीं हो सकता, जो प्योर वुलन के रहते हैं, इसमें फर वगैरह कुछ लगा नहीं हुआ है, तो ऐसे स्वेटर्स आप मिक्स में डाल सकते हैं, आप डुएट में बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन जो फैंसी वाले रहते हैं उनको आप बिल्कुल भी मिक्स में या जैकेट में ना डालें। तो ये देखिए मैंने पूरा उल्टा कर लिया है ताकि कोई वो इसमें वो ना रहे, पूरा पॉकेट चेक कर लिया है। और इसमें ये बेल्ट लगी हुई थी तो ये बेल्ट मैंने निकाल लिया है। मैं इसे मशीन में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ये लगा हुआ है तो हो सकता है इसका जो ड्रम है इसमें आवाज़ करे, तो ये वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो कुछ भी चीज़ जो रहती है स्टील की हो या प्लास्टिक की हो, तो वो मैं उसको निकाल लेती हूँ अगर मेरे को ऐसा लगता है कि वो आवाज़ करेगा ड्रम में, या फिर ड्रम को डैमेज करने का ऑप्शन है। ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा केयरफुल रहें आप। तो ये सेम है जो मैंने आपको दिखाया, मेरे पास ऐसे 4 स्वेटर्स हैं जो मैं बाहर पहनती हूँ फैंसी वाले। तो मैं ये सारे स्वेटर्स को, सारों को, ये 4 मैं डाल रही हूँ फिलहाल। तो अब इसमें मैं अलग अलग करके डालूँगी, एक साथ नहीं डालना है आपको, ताकि इसमें थोड़ा सा स्पेस रहे वॉश होने के लिए। और डिटर्जेंट के लिए मैंने इजी वॉश लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ किया है। वुलन क्लोथ्स जब मैं डालती हूँ तभी मैं इसे यूज़ करती हूँ। नॉर्मली जब आप कपड़े धोते हैं तो लिक्विड डिटर्जेंट नहीं डालना चाहिए फुली ऑटोमेटिक मशीन में। आप जो पाउडर डिटर्जेंट रहता है वही यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं 4 स्वेटर्स हैं तो मैं इसे वेल एंड हाफ कप इसमें यूज़ कर रही हूँ, और मैं प्री वॉश में नहीं डालूँगी क्योंकि मैं इसे जेंटल केयर में डाल रही हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है, प्री वॉश होगा नहीं इसमें। अगर आप मिक्स में या डुएट में डाल रही हैं अपने स्वेटर्स, तो आप थोड़ा सा प्री वॉश में भी डालेंगे। तो अब मैं अपनी मशीन को सेट कर लेती हूँ जेंटल केयर में। तो जेंटल केयर में 28 मिनट्स दिखा रहा है 20 डिग्री में, लेकिन मैं इसमें रिंस ऐड करूँगी क्योंकि 4 स्वेटर्स हैं, तो मुझे इसके एक बार रिंस और चाहिए। तो ये 32 मिनट्स दिखा रहा है, 32 मिनट्स में ये पूरा वॉश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसकी डिग्री कम कर सकते हैं, पूरा कोल कर सकते हैं, स्पिन को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है। अगर आपको चाहिए तो आप बाकी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्री वॉश वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ मैं,
क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको आपके स्वेटर्स, आपको लगता है कि आप डिग्रीज में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा के आप वॉश कर सकते हैं, आपके स्वेटर्स ज़्यादा गंदे हैं, तो आप डू इट और मिक्स में यूज़ कर सकते हैं। कॉटन ईजी केयर इसमें आप बिल्कुल भी नहीं वॉश करेंगे क्योंकि ये वुलन क्लोथ्स के लिए नहीं है। तो इस मैं अपनी मशीन को चालू कर लूँगी और ये स्पिन ज़्यादा नहीं होगा तो फिर आपको सुखाना पड़ेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि स्पिन कैसे करना है आपको, तो आप देख सकते हैं दूसरा वीडियो कि खाली स्पिन कैसे करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा धूप में सुखा लूँगी, उसके बाद ये स्वेटर्स रेडी हो जाएंगे।